कभी करो तो मुझे प्यार लगता है। जाने क्यों मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है। जाने क्यों छोड़ो भी अदा, पास आके जरा बात दिल की कोई कह दो ना। हे सोना हे सोना ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये भी कर ही रही हूँ बिकॉज मैंने आपने अगर देखा होगा तो मैंने उस वीडियो में अपने बोला हुआ है कि मुझे थोड़ा सा एक हैवी वाला लुक भी डालने का मन है। वो वाला बहुत सिंपल वाला मैंने रखा था, न्यूडिश टाइप का लुक रखा था, तो हो सकता है किसी को हैवी पसंद हो, तो मैंने उनके लिए ये वाला लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। कैसा लग रहा है कॉमेंट करो, मेरे को कैसा लग रहा है। थोड़ी इसमें हेयर स्टाइल वगैरह बनाई है, लाइक बन बड़ा बनाने की कोशिश की है, और हाँ उससे इजी है लुक है, सुंदर भी लग रहा है, इजी लुक है बिकॉज आई लुक बहुत इजी है, बहुत इजी गाइज। और उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है, वो थोड़ा हार्ड था आई लुक। ओके सो इसमें थोड़ा सा डार्क टाइप का किया है बट इजी भी है, जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना ही सिंपल लुक है। वीडियो में एंड तक बने रहोगे, आपको सारा कुछ मैं डिटेल में समझा दूंगी स्टेप बाय स्टेप। ओके इफ यू लाइक माई कंटेंट ना गाइज तो प्लीज जो सब्सक्राइब माई चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लो। नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस तो हम आ गए वॉइस ओवर में। हम लगा रहे हैं मिनिमलिस्ट, सॉरी मैं लगा रही हूँ, हम नहीं लगा रहे, मैं लगा रही हूँ मिनिमलिस्ट का टोनर। काफ़ी अच्छा वाला टोनर है, अगर आपके स्किन में प्रॉब्लम्स है ना तो आप इसको मिनिमलिस्ट को ट्राई कर सकते हो, इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है। सो इसको लगाने के बाद ना थोड़ा सा लाइक थोड़ा डल सा फेस लग रहा था। सी जी सी कॉस्मेटिक की मैंने क्रीम लगाई, ये मुझे ब्रांड ने भेजी थी, सी जी सी कॉस्मेटिक किया। रेजिशोर का मैंने वाटर बेस वाला लगाया अच्छे से टोनर, और अब मैं लगा रही हिलेरी रोजा का मैं फर्स्ट प्राइमर, ये मेरा पहला प्राइमर था और इसको अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से पोर्स को फिल करता है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, फाउंडेशन से लेकर कंसीलर से लेकर हर एक चीज़, तो वेट एंड वॉच। या नायका का ले रही हूँ मैं, ये है फाउंडेशन, अच्छे से उसको मैं लगा लूँगी, उसके बाद मियोन का ऑयल कंट्रोल कंसीलर लगाऊँगी जहाँ पर जगह खाली है, क्योंकि मेरा शेड परफेक्ट बनाना है मुझे, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हो, अगर आपके पास डार्क है तो आप उसमें लाइट लगा सकते हो, ऐसा ऐसा करके मैच कर सकते हो। अच्छे से मैंने सेटिंग स्प्रे डाली ताकि अच्छे से सेट हो जाए, बिल्कुल भी वो ना हो और मतलब निकले ना। एंड ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, मेरे पास इतने फाउंडेशन ब्रशेस हैं बट कहाँ है मुझे पता नहीं, सब कहाँ चले गए। यू कैन सी कवरेज कितनी सही है और कलर बिल्कुल मेरे स्किन के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा हाईलाइट करना हो, आप देखो दो शेड्स होते हैं, एक कंसीलर होता है हमारे स्किन टोन से बिल्कुल मैचिंग होता है, वो हमारे डार्क कवर्स डार्क सर्कल होते हैं वो कवर अप करता है। एक लाइट होता है जैसे मैंने अभी लगाया, वो हाईलाइट करने के लिए होता है, हाईलाइट करने के लिए। ओके अच्छे से मैं सेट करूँगी, आपने देखा मेरा बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट शेड बन गया था, तो आपको आना चाहिए, बाकी सही है ना। अच्छे से सेट करूँगी। ओके सेट किया, उसके बाद पर्पल की मैं आईब्रो पैलेट ले रही हूँ, आईब्रो पैलेट उसमें से मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। ब्राउन मेरी आईब्रोज थोड़ी सी ब्राउन है ना, तो उसको मैं बीच से फिल करना स्टार्ट करूँगी, लाइंस थोड़ा सा ड्रॉ करूँगी, उसके बाद
या उसके बाद स्पूली की हेल्प से कॉम कर लूँगी ताकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट लगाओ ना गाइस वो सब रिमूव हो जाए, और हल्का हल्का सा कंसीलर के मेयॉन के ऑयल कंट्रोल कंसीलर से थोड़ा सा मैं नीट एंड क्लीन कर लूँगी, है ना, हल्का हल्का करना, ज़्यादा नहीं। ओके, फिर से एक बार स्पूली की हेल्प से करूँगी। उसके बाद जो भी मैंने सेट करने रखा था बेस, देखो बेस जो हम अब सेट करते हैं ना अपना, तो उसको रखने मतलब छोड़ दो, जब जितना उसको लाइक चाहिए होगा सोखना होगा, यार सोखना ही बोल सकते हैं, वो सोख लेगा, ठीक है, तब तक उसको छोड़ दो, 5 मिनट तक 2 मिनट तक उसको छोड़ दो। उसके बाद निकालोगे आपका बेस एकदम लॉक कर देता है लूज पाउडर। शुगर का कॉन्टोर था, अच्छे से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। आपको अगर कॉन्टोर करना नहीं आता, मैं इसकी ट्रिक बता रही हूँ, आप ऐसे कर लो, ठीक है, जल्दी जल्दी में आप हो कर लो, नहीं आता अभी मैं आगे एक ट्रिक बताऊँगी। फिर अब इसके ऊपर ब्लश भी लगा लेंगे हम, आप देखते जाना। ये ब्लश ना मैंने लोकल मार्केट से लिया, बट ये लाइक गाइज ये वाला ब्लश ना मतलब महंगे महंगे ब्लश को भी फेल कर, इतना पिगमेंटेशन दे रहा था, हाईली रिकमेंड करूँगी, बट ये कौन सा ब्रांड है मेरे को खुद नहीं पता, बट ये दुबई का था और लोकल से लिया था। ओके, अच्छे से वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर लगाऊंगी पूरे फेस में। अब देखना, मैंने लिया अस्फलाल का कॉम्पैक्ट और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं क्लीन कर लूँगी। अब जहाँ से भी आपका फैला वो तो हमने क्लीन कर लिया, बाद में कहीं से ख़राब नहीं लग रहा। तो ये ट्रिक है गाइस, अगर आपको नहीं आता है ना कंट्रोल करना, आप अच्छे से कर लो, अगर फैल भी जाता है कोई टेंशन नहीं, आप दोनों जगह पे डिफरेंस देख सकते हो, लाइन खिंच गई है बिल्कुल, बहुत कट सा लग रहा है। सो आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाना, बहुत पसंद आएगी आपको। अच्छे से मैं स्विस ब्यूटी की मैंने पैलेट ली है, उसमें मैंने ऑरेंज शेड लिया और जस्ट मैं अपनी क्रीज लाइन में ब्लेंड करी हूँ। बता देती हूँ, अभी बाई चांस आपका आई शेडो यहाँ से लाइक डार्क हो जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे मेरा हो गया था अभी, तो मैंने क्या किया, जस्ट एक फ्लावर ब्रश में एक पाउडर लिया एंड जस्ट इसको यहाँ पे लगा दिया ताकि यहाँ पे कलर धीरे धीरे लाइट होता जाए, एंड यू कैन सी लाइट भी हो गया। सो ये ट्रिक है, ये ट्रिक बहुत वर्क करेगी, सो यू विल डेफिनेटली ट्राई। अच्छा, फिर अच्छे से ब्लेंड करेंगे, यू कैन सी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। फिर मैं पिंक कलर ले रही हूँ, पिंक कॉपर वाला, उसको एक ग्लिटर शेड था, ठीक है। तो ये पैलेट भी काफ़ी अच्छी है, पिगमेंटेशन काफ़ी देती है, यू कैन सी कितने अच्छे से पिगमेंटेशन दे रही है, मतलब अच्छी है पैलेट, अफोर्डेबल भी है। इनसाइड कॉस्मेटिक का ये है काजल, वन स्वाइप में ही गाइज ब्लैकेस्ट ब्लैक, देखो यू कैन सी बटर की तरह चलता है। मैं अपनी आईज क्लोज करके लगाती हूँ ताकि अपर और लोअर दोनों में लग जाए। थोड़ा सा थिक लगाने वाली हूँ और ब्लैक कलर लेके हल्का सा स्मज सा थोड़ा सा लुक देने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। मामा अर्थ का काजल मेरा आईलाइनर मेरा फेवरेट बन चुका है। इसकी टिप मतलब इसकी पैकेजिंग, इसकी टिप मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और इससे ना मतलब बिगिनर फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छे से आज मैं आपको लगाना दिखा रही हूँ। मैंने ना विंग क्रिएट की, सबसे पहले मैंने विंग क्रिएट कर ली, ऐसे ड्रॉ कर ली, उसके बाद मैं अच्छे से फिल कर करती जा रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि विंग अच्छी क्रिएट हो, और मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। नायका का मैं यहाँ पे ले रही हूँ मस्कारा, इसकी लाइक ब्रश जो है ना बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अपर लैश लोअर लैश दोनों में लगाऊंगी, और अपनी आई लैशेस लगा ली। फेसेस कैनाडा का सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ, इससे पहले जो मैंने सेटिंग स्प्रे लगाया था वो इनसाइड कॉस्मेटिक का था, तो हमारा बेस एकदम लॉक हो गया क्योंकि हमने लूज पाउडर लगाया, दो बारी सेटिंग स्प्रे लगाई थी, अच्छी अच्छी लॉक हो चुका है। अब ये है मेरा लिपस्टिक, ये है रेने का लिपस्टिक, ये ना थोड़ा सा पिंकिश रेडिश वाला कलर है, बिल्कुल टोमेटो वाला बिल्कुल लग रहा था। अब मैंने ब्लाउज़ तो पहना हुआ है, ब्लाउज़ तो मैंने जुगाड़ करके पहना है गाइस। यहाँ पे मैं चोटी बना रही हूँ, आपको मैं दिखाती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, भाई आप भी देख लो, चोटी बना लो अच्छे से टाइट, जैसे आपको मन करे ऊंचा बनाना है नीचा बनाना है, अगर आपको थोड़ा बन ऊंचा चाहिए तो आपको ऊंचा बनाना। क्लैचर ले लो क्योंकि बन मुझे बड़ा चाहिए था, ठीक है, तो वो बन में नीचे क्लैचर छुपी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम लोग गजरा वगैरह लगाएं, बन क्लैचर के आसपास है ना, घुमा दो। उसके बाद आगे से मैं अपनी चॉपस्टिक मैंने रख दी थी पहले से गर्म होने के लिए, क्योंकि भाई गर्म तो करना पड़े ना, उसको मैं अच्छे से कर्ल करती जा रही हूँ अपने पूरे बालों को। उसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से पीछे इसको टक कर लिया, और वहीं पे मैंने गजरा लगा लिया, यहाँ साड़ी पहन ली, बिंदी लगा ली,
बिंदी तो मैंने अपने पुराने वाली वीडियो की लगाई, ये ज्वेलरी पहन ली क्योंकि यही ज्वेलरी मेरे को समझ में आ रही थी, साड़ी के साथ थोड़ी बहुत मैचिंग मैचिंग थी मेरी नथ के साथ, तो ये मैंने पहन ली। चोकर टाइप का है और ये थोड़ा सा एक मम्मी का था सोने टाइप का, ये डाल दिया है ना, ये डाल रही हूँ। और कैसा लग रहा है मतलब कमेंट करो। यहाँ पे मैं चूड़ियाँ पहनने वाली हूँ ना, तो मुझे चूड़ियों में भाई मेरे तो हाथ सूज आए हैं पता है, इतनी टाइट टाइट चूड़ियाँ पहनती हूँ। पीछे मैंने गणपति जी रखे हैं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने के लिए। अभी मेरा चैनल थोड़ा सा डेड हो गया है, सो मैं चाहती हूँ आप लोग सपोर्ट करो प्लीज़ गाइज, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो प्लीज़, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। लुक कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताना, मैंने सेकेंड टाइम किया बिकॉज मुझे थोड़ा सा हैवी चाहिए था। ओके बाय। सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक, कैसा लग रहा है, कैसा टर्न आउट हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सेकेंड टाइम किया बिकॉज मुझे सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, मुझे लग रहा था लुक बहुत ज्यादा लाइट हुआ है, सो मैंने सोचा मैं एक बार और करूंगी ट्राई। सो आई होप आपको ये वाला लुक भी पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट करना। ओ माई गॉड, लग रही हूँ महाराष्ट्रियन की नहीं लग रही हूँ ये बताओ पहले तो। ओके ओके आई एम हैप्पी। ओके कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। बाय।